सफलता के 6 सूत्रों का पालन करो, आपको पक्का सफलता मिल जाएगी। तो सफलता के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लोग आरंभ शुरू होते हैं, काम चालू करते हैं और फिर आखिर तक उसको लेके नहीं आते, बीच में ही छोड़ देते हैं। शुरुआत में बहुत इंस्पायर होते हैं, जोश रहता है, उत्साह रहता है और फिर जैसा जैसा उत्साह, मतलब टाइम निकल जाता, वैसा उत्साह कम होते जाता और बाद में वो काम छोड़ देते और उनको सफलता मिलती नहीं है। तो भी आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसे 6 पॉइंट कि जिसमें वो यदि पॉइंट का यदि पालन किया, वो सूत्र का पालन किया, तो आप डेफिनेटली सफलता की ओर पक्का निकल जाएंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो है कि आपका गोल फिक्स होना चाहिए और अपनी गोल पे से नज़र नहीं हटना चाहिए। एक बार अपनी नज़र है, एक बार आपने गोल पक्का किया हुआ है, गोल के ऊपर आपकी नज़र होना कि भाई मुझे वहाँ जाना है, वो हासिल करने का है और फिर उसके ऊपर फोकस रहना, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, पूरा लक्ष्य, एकाग्रता, फिर वही होना है और उसके लिए फिर आप काम कर रहे हो। आपको ये देखना है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मुझे वहाँ तक लेके जाएंगा क्या, तो वो काम करना है। जो काम मुझे वहाँ तक लेके नहीं जाएगा, अंतिम उद्दिष्ट तक लेके नहीं जाएगा, वो काम मुझे करने नहीं है। तो गोल के तरफ लेके जाने वाला काम करना है, गोल के तरफ नहीं ले जाने वाला काम नहीं करने का है और गोल के ऊपर फोकस रखा तो गोल आपका पक्का हासिल होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि भावनाओं के ऊपर व्यर्थ टाइम मत खराब करो। क्या होता है, लोग भावनात्मक हो जाते हैं और भावना में बह जाते हैं, भावना में बहने के बाद में काम होता नहीं है। नहीं, मुझे मूड नहीं है मेरा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत नर्वस लग रहा है या डिप्रेस लग रहा है या ठीक नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा करके लोग काम बंद कर डालते हैं। लोगों को कुछ भी कारण, कुछ मतलब कुछ भी कारण चलता है, अच्छा भी कारण चलता है और बुरा भी कारण चलता है, मतलब खुश हो गए तो काम नहीं करना है और दुख हो गया तो काम नहीं करना है। सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी तो इसलिए अभी मतलब शोर मचाना है, मतलब धूमधाम करना है, इसलिए काम नहीं करना है, या सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो गया तभी भी काम नहीं करना है क्योंकि दुख हो रहा है। तो लोगों को कारण ही चाहिए और फिर कारण कुछ भी कुछ तक मिल गया कि लोग काम करना बंद कर डालते। तो कोई भी भावना में आके काम बंद करना नहीं, काम भावना उत्तेजना की हो या दुख की हो, निराशा की हो, तभी भी। फिर नंबर 3 का जो है वो है एक साथ गोल जो है वो आप एक साथ 2-4 गोल आप पकड़ेंगे तो फिर उसके ऊपर फोकस होता नहीं है। तो एक साथ 3-4 गोल, 2-4 गोल पकड़े, 3-4-5 गोल है, एक गोल ऐसा है कि आपको बॉडी बनाने का है, बॉडी बिल्डिंग करने का है, फिर दूसरा गोल है कि नहीं अपने को मैराथन में दौड़ने का है, फिर तीसरा गोल है कि अपने को धंधा भी बढ़ाने का है और उसमें भी काम करने का है, चौथा गोल है रिलेशनशिप में अच्छा करने का है, 5वां गोल है कि और अपना एक डिस्टेंट अपनी कोई रिलेशनशिप है उसके ऊपर कुछ काम करने का है, 6वां गोल है कोई हॉबी सीखने की है, जैसे बहुत सारे गोल रहे तो फिर फोकस होता नहीं है। तो अभी एक समय एक गोल लेके जाना है, एक गोल लेके चलना है, उसके ऊपर फोकस करना है, बहुत सारे गोल एक साथ रखने के नहीं। फिर नंबर 4 का मुद्दा जो है वो है प्लानिंग, कागज़ के ऊपर आप प्लानिंग करो, माइक्रो प्लानिंग करो, बारीकी से आपको लिखना पड़ेगा कि मैं कौन सा काम कम करूँगा, कब करूँगा। जब आप लिस्ट करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि मुझे जो गोल हासिल करना है उसका प्लानिंग मेरे पास में है, यह काम ये समय बाय व्हेन, काम की लिस्ट आपने बना लिया, काम की लिस्ट बनाने के बाद में बाय व्हेन, मतलब ये काम कब करूँगा, कितने बजे करूँगा, कब करूँगा, कितने बजे करूँगा, और बारीकी से आप देखेंगे कि ये काम करने के लिए मुझे क्या 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 करना पड़ेगा, कौन सी एक्शन करनी पड़ेगी, तो वो काम पक्का हो जाएगा। 5वां पॉइंट जो है कि अपना रास्ता बदलने का नहीं, आप रास्ता बदलेंगे तो फिर काम होता नहीं, मतलब मैं गोल है वहाँ मैं एक रास्ते से जा रहा हूँ, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये रास्ता बराबर नहीं है, फिर और कोई रास्ता पकड़ लिया, फिर वहाँ से वो प्लानिंग करेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे, वो रास्ता अपनाएंगे, फिर वो एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं करने का। कोई भी एक्शन लेने के पहले, कोई भी रास्ता पकड़ने के पहले सोच लो, विचार करो, एक्शन करने के पहले जो भी करना है वो करो। एक बार आपने रास्ता पकड़ा, एक बार आपने एक्शन लेना चालू किया, फिर वो रास्ते से पक्का जाने का है। आपने शेर देखा होगा शिकार करने के समय, काफ़ी बार आपने यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि जब शेर मतलब बाघ जब शिकार करता है तो हिरन का समझो झुंड है, वो झुंड के ऊपर पहले ऐसे झाड़ी में रहेगा, वो चुपचाप बैठेगा और नज़र देखेगा कि भाई नज़र से देखेगा कि कौन सा हिरन जो है लंगड़ा है, कौन सा हिरन जो है वो छोटा है या भाग सकेगा नहीं, मतलब वो पूरा देखते रहता है, पूरा 10-15 मिनट तक वो पूरा प्लानिंग करेगा। एक बार उसने सोच लिया कि नहीं मुझे अभी वो हिरन को पकड़ने का है, फिर एक रास्ता पकड़ेगा और वहाँ जाएंगा, फिर ऐसा नहीं कि कभी ये रास्ते से गया कभी वो रास्ते से गया, ऐसा नहीं होगा, एक ही रास्ते जाएगा, एक हिरन पकड़ेगा, गोल पक्का करेगा, फिर जो दौड़ेगा और उसको पकड़ के रहेगा। तो वो बहुत जरूरी है कि रास्ता बदलने का नहीं है, एक बार आपने तय कर लिया कि ये रास्ता है, ये एक्शन लेने की, वो एक्शन बदलने की नहीं। 6वां पॉइंट जो है कि लोग टीका करेंगे, लोग ताने मारेंगे, लोग तो ताने मारते रहेंगे, लोग आपको डिसमूड करेंगे, आपको
टीका आपके ऊपर टीका करेंगे, आपको ताने मारेंगे, जो भी करना है करेंगे, पर आपने उनके तरफ ख्याल देने का नहीं, आपने बहरा गूंगा हो जाने का, बहरा हो जाने का है। ऐसा बोला जाता है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भोंके हजार। जब हाथी चलता है बाजार में, जब हाथी रस्ते चलता है तो बहुत सारे कुत्ते भोंकते हैं, हाथी ख्याल देता नहीं। तो ऐसे रिकामे लोग बहुत होते हैं कि जो आपको बोलेंगे कि ऐसा मत करो, ये मत करो, ऐसे ऐसे वो होगा, ऐसे ऐसे होगा, आपको एक ही व्यक्ति की सुनना है। और वो कौन सा व्यक्ति है? वो व्यक्ति है कि जिसका आप जो फील्ड में काम करें उसकी मास्टरी है, जिसने वो काम करने में सफलता हासिल की, जो काम वो करने में वो गुरु है, बॉस है, जिसको मालूम है, बस वो यदि कुछ बोलता है तो आप सुन सकते हैं क्योंकि उसमें मास्टर हो। बाकी लोग तो फेंकते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, उनकी सुनने का नहीं है। तो ऐसे ये छः पॉइंट है, ये छः पॉइंट का यदि आप बराबर मतलब इस्तेमाल करेंगे, और वो सूत्र है, मतलब ये सूत्र आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे। हमारा जो संकल्प है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, वो रिलेटिव के साथ में भर्ती करते, बिना रिलेटिव हमारे यहाँ भर्ती करते, उनको अच्छा कर लेते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, लोगों को काउंसलिंग करते हैं और लोगों को अच्छा हम करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।